रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रीन मूंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मूंग को हम तड़के के साथ बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम गैस पे एक प्रेशर कुकर रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। प्रेशर कुकर को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम एक बड़ा चम्मच डालेंगे तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फोरन। तो यहाँ पे हमने दो तेज पत्ती लिया है, दालचीनी स्टिक, लौंग, और सबको हम अच्छे से चटकने देंगे। तो फोरन चटक चुका है, अब हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ओनियन। तो ये दो ओनियन को हमने बारीक काट लिया है और इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कूटा हुआ अदरक लहसुन। तो ये हम एक बड़ा चम्मच डालेंगे, क्योंकि मूंग दाल तड़का में अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे भी हम प्याज के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज के साथ हमने अदरक लहसुन भी भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो गया है उसका। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे हम अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। तो हमें चलाते हुए भूनना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, नहीं तो मसाला जो है वो जलने लगता है। मसाला भून चुका है, अब हम डालेंगे टमाटर। तो हमने 2 मीडियम साइज टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसे भी हम डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे, तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, यानी कि जब तक अपनी टमाटर जो है सॉफ्ट ना हो जाए। गल चुका है, अब हम इस स्टेज पे डालेंगे ग्रीन मूंग। इसे हमने रात को धो के भिंगा दिया था। आप दिन में बनाना चाहें तो इसे 5 घंटा पहले भिंगा सकते हैं, तो ये अच्छे से फूल जाता है। अब हम इसे पानी से निकाल लिए हैं और इसको हम ग्रेवी के साथ भूनेंगे। अच्छे से भून लेंगे। तो हमने मूंग को मसाले के साथ भून लिया है, इसका जो ग्रीन वाला फ्लेवर है वो दूर हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 ग्लास पानी डाल रहे हैं। प्रेशर कुकर में हम ज्यादा पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि फीसिल आने पे पानी बाहर निकलने लगता है। तो पानी हम अंदाज से डालेंगे, अगर गाढ़ी होगी तो हम लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सबको हमने मिक्स कर लिया। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। 1 व्हिसिल हम इसे तेज फ्लेम पे लाने देंगे, उसके बाद हम गैस स्लो करके 5 मिनट पका लेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है, उसके बाद हमने 5 मिनट तक पका लिया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, प्रेशर को रिड्यूस होने देंगे, फिर हम ढक्कन खोलेंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, अब हम ढक्कन को खोलेंगे। हम आराम से खोलेंगे क्योंकि ढक्कन गर्म रहता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मूंग गली है। तो इसे हमें ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये घोल जैसी बन जाएगी। थोड़ा सा मूंग में दाना दिखना चाहिए। अभी भी अपनी मूंग गाढ़ी है, तो हम इसमें 1/2 ग्लास और पानी ऐड करेंगे।
और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाही लिया है, इसमें निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर, खुशबू तो आप बनाएंगे तो ही फील करेंगे। मूंग भी अच्छे से गल चुका है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक तड़का पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है ग्रीन मूंग में। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच देसी घी लिए हैं। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। घी पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तड़के की तैयारी। तो हम जीरा लिए हैं, लाल मिर्च लिए हैं, कड़ी पत्ता लिए हैं। तो सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं और जीरा को हम चटकने देंगे। अब हम इसमें सूखी मिर्च डालेंगे, कड़ी लीव्स, और साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग डालने से अच्छे से डाइजेस्ट होता है और टेस्ट भी आता है। तो हम तड़के को अच्छे से ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी तड़का रेडी हो चुकी है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और तड़का डालेंगे। तो तड़के पे हम ध्यान में रखते हुए डालेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है। आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी ग्रीन मूंग दाल तड़के वाली तैयार हुई है। तो हमने तड़के वाली ग्रीन मूंग बना लिया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं होता है। इसे आप बना के जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप राइस के साथ, पूरी, पराठा, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।